सॉरी भी सॉरी सॉरी हेलो सभी दोस्तों को राम राम राधे राधे जय श्री राम मैं उपेंद्र आपका अपने परिवार टारगेट में स्वागत करता हूँ मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे शानदार होंगे जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे तो जल्दी से ऐसा भी बताइएगा क्या आपको मेरी आवाज आ रही है फिर आप अपने हम सेशन को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपना झारखंड पुलिस 2024 के लिए अपने अर्जुन बैच में पढ़ रहे दो बजे से आपके मैथ्स की क्लास स्टार्ट होती है तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम क्या जाए आपकी दूसरी क्लास है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी नंबर सिस्टम के बारे में कल बताया कि भाई नंबर एक अपना अलग पार्ट है सिस्टम एक अपना अलग पार्ट है और सिस्टम में मैंने बताया कि भाई सिस्टम किसे कहते हैं सिस्टम हमारे कौन कौन से होते हैं और हमें कौन से सिस्टम को पढ़ना है इन सारी चीज़ों को भी मैंने आपको चर्चा की थी कल तो जल्दी से बताइएगा कौन कौन जुड़ा है देखते हैं शीतल अनु सिद्धार्थ शिवम रोहित राहुल राकेश नीलम छोटू राजकुमार शिवम राव शाह मोनिका नीलम है ठीक है तो सभी को राम राम भाई राधे राधे जय श्री राम वेरी गुड आफ्टरनून भाई सभी को वेरी गुड आफ्टरनून तो जल्दी से बताइएगा शिल्पा राजपूत सर जी इतना लेट क्यों आए भाई लेट अभी बताया कि जैसे कि सीटेट वाली क्लास आपकी कंप्लीट हुई उसके क्लास कंप्लीट होने के बाद इधर आई ठीक है फिर आपकी क्लास स्टार्ट हुई तो दो चार पाँच मिनट लेट हो जाते हैं इसीलिए ठीक है गोलू शुक्ला बहुत बढ़िया बेटा जल्दी से सभी दोस्त जुड़ेंगे विद्या राव साहब हर हर महादेव भाई ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई नंबर सिस्टम में अपना कि नंबर्स मैथ्स uh, पढ़ रहे हैं और मैथ्स में बताया था कि भाई नंबर सिस्टम मैंने बताया कि सिस्टम एक अपना अलग पार्ट है नंबर अपना एक अलग पार्ट है तो नंबर और सिस्टम में सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको भाई चर्चा की सिस्टम के बारे में भी आपको बेहतर तरीके से बताया क्या बताया भाई कि सिस्टम क्या होता है सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं हमें एक्चुअल में कौन से कौन सिस्टम पढ़ने हैं हमें केवल डेसिमल सिस्टम पढ़ना है बाइनरी सिस्टम पढ़ना है और बाइन डेसिमल सिस्टम में भी हमने बताया कि भैया सबसे पहले एक छोटी इकाई डिजिट की होती है डिजिट के बारे में मैंने आपको बताया और डिजिट में मैंने आपको बताया कि भाई इन्हीं नंबर से कौन सी छोटी संख्याएँ बन सकती हैं कौन सी बड़ी संख्याएँ बन सकती हैं और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था भाई होमवर्क में और वो क्वेश्चन था आपका स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न था तो स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न को मैंने आपको एक कल क्वेश्चन दिया था प्लेस वैल्यू बताया और फेस वैल्यू बताया।, बताया कि मतलब और बताइयो भाई एक बार मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था एक बार कंप्लीट जल्दी से बता दीजिएगा मुझे कल मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन बताया था भाई क्या था वो क्वेश्चन वही जो कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था इसका मतलब किसी ने भी कल आंसर नहीं बताया था ठीक है तो जल्दी से हम देखते हैं भाई उस पर चर्चा करते हैं कि वो कल क्या क्वेश्चन था जल्दी से बताइएगा भाई आप तो गायब थे उस दिन क्यों गायब थे भाई देखिएगा भाई बेहतर तरीके से कोई दिक्कत नहीं है मैं एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं स्थानीय मान पर जैसे कि भाई नाइन देख लीजिएगा भाई जैसे कि मैं लिखा नाइन एट सिक्स फाइव पॉइंट फोर थ्री टू अगर मैं इसमें बात करू पॉइंटो के वाली वाली इसमें बात करूं, इस करूं। नाइन सेवन टू थ्री नाइन सेवन टू थ्री पॉइंट सिक्स फाइव फोर सिक्स फाइव और फोर ये कल दो क्वेश्चन थे और इन दोनों क्वेश्चन पर हमें भैया कल एक ये, ये वाला क्वेश्चन था और एक ये वाला दो क्वेश्चन और इनके स्थानीय मान बताने हैं तो मैंने बताया मेरे भैया कि हम इनको स्थानीय मान को निकालेंगे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे स्थानीय मान को उस पर हमें चर्चा करनी है तो मैंने बताया ये जो डेसिमल लग जाता है दशमलव लग जाता है दशमलव से क्या होती है कि लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है और लक्ष्मण रेखा खिंचने का मतलब है ये इधर का पार्ट अलग हो जाता है इधर का पार्ट अलग हो जाता है ये बात करो ये बीच में काम कर रहा है सेतु का पुल का काम कर रहा है ठीक है पुल का काम कर रहे तो पुल में उधर दूसरे पार्ट हो गया इधर आपका दूसरा पार्ट होगा ना तो इधर वालों को उधर से मतलब है ना उधर वालों का इधर से मतलब है अब ये दोनों ही अपने आप में क्या है अलग-अलग है अब जब भी कभी बेटा लेफ्ट की तरफ चलते रहो लेफ्ट की तरफ चलते रहो तो मैंने बताया गुणा करते चलो और राइट की तरफ चलो तो भाग करते हो चलो ठीक है देखिएगा तो जैसे कि मैंने बताया तीन का स्थानयमान बताना है तो तीन का तो तीन ही होगा दो का स्थान मान दो जिसके बाद जितनी डिजिट उतनी जीरो तीन के बाद सात कितने डिजिट दो तो दो जीरो और भैया नौ लिखा हुआ है नौ के बाद कितने डिजिट तीन डिजिट तीन जीरो अब दशमलव के बाद दशमलव के बाद का जैसे छः है इस छह का स्थान्य मान बताना है अब छह का अगर स्थान्य मान बताना है तो दशमलव के बाद कितने डिजिट पर है एक तो बेटा दस से भाग कर दो आंसर कितना आएगा जीरो दशमलव छ अगर पांच का स्थान्य मान की बात करूं दशमलव के बाद कितने अंक हैं दो तो दो जीरो से मतलब सौ से भाग कर दो तो इसका जीरो पॉइंट हो जाएगा ठीक है अगर बात कर रहे हैं हम चार की तो दशमलव के बाद चार कौन से स्थान पर है एक दो और एक तीन तो कितने से भाग करोगे तीन जीरो मतलब एक हजार से तो जीरो दशमलव जीरो जीरो फोर आपका तो इस तरीके से आपको बताना था ठीक है ओके ये बात आपको समझ आ गई अगर मैं बात करूं नाइन एट सिक्स फाइव पॉइंट फोर थ्री टू में आपके मान की तो इसमें मान कैसे निकालेंगे देखो अगर ये दशमलव है दशमलव अगर इधर की बात करोगे तो चार का बेटा कितना हो जाएगा जीरो दशमलव चार ऐसे लिख लो अगर मैं तीन की बात करूँ तो जीरो दशमलव जीरो तीन मतलब ये देखो दशमलव के बाद जितनी डिजिट बाद है वो दशमलव के बाद जितने अंक उतने अंक पहले दशमलव एक तो एक दो तो दो और ये तीन तो भाई तीन पहले जीरो दशमलव जीरो जीरो दो ये आपके स्थान हो गए डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं पाँच का मान पाँच हो जाएगा इधर छ का साठ हो जाएगा आठ का आठ सौ हो जाएगा नौ का नौ हजार हो जाएगा क्योंकि नौ के बाद तीन डिजिट आठ के बाद दो डिजिट 6 के बाद एक डिजिट 5 के बाद कोई डिजिट नहीं अब जल्दी से बताओ मुझे ये आपको स्थान और जात्यमान ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होंगी भाई कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है भाई ये बात समझ में आ गई आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं भाई अब आगे हम बातें करेंगे अब आगे चर्चा करते हैं डिजिट पर ही पहले हम डिजिट पर ही काम करते हैं और डिजिट को बड़े ध्यान से समझना देखो बेटा दे भाई इस बात को देखो मैंने लिखा एक से लेकर नौ एक से लेकर नौ तक की अगर मैं बात करूं मेरे भैया संख्या कितनी है और यहां बात करेंगे हम डिजिट कितनी है संख्या पर और डिजिट पर काम करेंगे अब हम किस पर काम करेंगे संख्या और डिजिट पर तो बेहतर तरीके से चीजों को भाई सीखते रहें शानदार तरीके से तो अगर मैं बात करूं एक से लेकर नौ तक संख्या कितनी है आप कहोगे नौ कितनी संख्या है नौ अब एक संख्या में कितनी डिजिट है एक एक संख्या में डिजिट कितनी है एक अगर एक संख्या में डिजिट एक है तो नौ संख्या में कितने डिजिट होंगी नौ अरे नौ संख्या में कितनी डिजिट होंगी नौ ही डिजिट होंगी अब आगे समझिएगा एक से लेकर संख्या कितनी हुई नौ अगर संख्याएं नौ हुई हैं तो एक संख्या में एक डिजिट तो नौ संख्या में नौ डिजिट अगर बात करें अगर हम यहां पर दस की अगर दस से बात करूं मैं निन्यानवे तक तो दस से लेकर निन्यानवे तक कितनी संख्या है? तो निकालना देखो संख्या निकालने का तरीका देखना भाई बड़े ध्यान से निन्यानवे में से नौ घटा दो निन्यानवे में से नौ घटाओ तो कितने हो गए भैया नब्बे अरे कितने हो गए नब्बे अब आप एक बात बताओ दस लिखा हुआ था तो था तो था था इस था था है इस दस में ये ग्यारह लिखा हुआ है मान ली बारह लिखा हुआ है अब मुझे एक बात बताओ दस में कितने डिजिट हैं एक और एक दो बारह में कितने डिजिट हैं दो ग्यारह में कितने डिजिट हैं दो मतलब भैया ग्यारह जो लिखा हुआ है ये कितने अंकों की संख्या है दो दस कितने अंकों की संख्या है दो बारह कितने अंकों की संख्या है दो अब एक बात बताओ अब एक संख्या में अगर दो डिजिट हैं तो नब्बे में कितनी हो जाएंगे नब्बे दूनी एक सौ अस्सी कितनी हो जाएगी एक सौ अस्सी हो जाएंगी अरे बात समझ में आ गई यहां तक नहीं पहले तो जल्दी से ये बात बताओ भाई अगर एक से लेकर नौ तक की नौ संख्याएं तो डिजिट भी भाई नौ हो गए अगर दस से लेकर निन्यानवे तक की नब्बे संख्याएं तो डिजिट आपकी कितनी होगी एक सौ अस्सी बताइएगा पहले यहां तक बात समझ में आ गई मेरे भाई अरे बताओ जल्दी से इतनी बात समझ आ गई बात समझ आ गई तो भाई आगे बढ़ते हैं शीतल एड्रेस न पूछो मेरी बहना यह बताइएगा जो मैं बात बता रहा हूं यह समझ में आ गया नहीं आया ओके okay, बहुत अच्छे भाई ठीक अब आगे चर्चा को विषय जारी रखते हैं अगर मैंने बात करी भैया सौ से लेकर नौ सौ निन्यानवे तक अगर मैं बात करूं सौ से लेकर नौ सौ निन्यानवे तक की संख्याएं अब एक बात बताओ Osionfish. एक बात बताओ इस सौ में देख भैया सौ तो में कितने डिजिट हैं एक दो तीन अगर एक संख्या में सौ डिजिट मतलब एक संख्या में तीन डिजिट हैं अब नौ सौ निन्यानवे में से निन्यानवे घटाओ नौ में से नौ गए जीरो नौ में से नौ गए जीरो तो संख्याएं कितनी होगी नौ सौ कितनी संख्याएं होगी नौ सो? अगर संख्या नौ हुई एक संख्या में अगर तीन डिजिट हैं तो 900 में कितने डिजिट होंगे मेरे भैया 2700 कितनी होंगी मेरे दोस्त 2700 डिजिट होंगी डिजिट होंगी मतलब भैया 2700 अंक होंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है यह बात आपको समझ में आ गई होगी भाई एक से लेकर नौ तक की नौ संख्याएं तो डिजिट नौ दस से लेकर निन्यानवे तक की संख्याएं में नब्बे संख्याएं डिजिट एक सौ अस्सी सौ से लेकर नौ सौ निन्यानवे तक की संख्याओं में नौ सौ संख्याएं डिजिट ओके अगर बात करूं मैं एक हजार से दस नौ सौ निन्यानवे दस हजार से, से लेकर एक दो तीन चार नौ हजार नौ सौ निन्यानवे तक अगर मैं नौ हजार नौ सौ निन्यानवे तक की बात करूं अगर आप इसे घटा दोगे तो कितना जाएगा भैया नौ हजार नौ हजार आएगा और एक संख्या James में कितने डिजिट भैया चार नौ हजार में कितना होगा नौ हजार में कितनी हो जाएंगी भैया नौ चौक छत्तीस हजार कितनी हो जाएंगी भैया छत्तीस हजार हो जाएंगे अब यह बात आपको समझ आ गई अब यह चीजों का फायदा क्या है इन चीजों का फायदा क्या है बेटा इनका फायदा क्या है करने का जल्दी से एक बात देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा अब देखो यह चीज समझ में आई अब आगे समझें। अगर देखो ध्यान से देखो अगर आपसे पूछे एक से लेकर नौ तक की संख्याओं में ठीक है टोटल मैं डिजिट की बात कर रहा हूं अब एक से लेकर नौ तक की संख्याओं में भैया डिजिट कितनी होती हैं? एक से लेकर निन्यानवे तक की संख्याओं में डिजिट कितनी होती है एक से लेकर नौ सौ निन्यानवे तक की संख्याओं में डिजिट कितनी होती है एक से लेकर नौ सौ निन्यानवे तक की संख्याओं में डिजिट कितनी होती है नौ हजार नौ सौ निन्यानवे में एक में निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे तक की संख्याओं में डिजिट कितनी होती है अगर इसे लिखना हो तो जल्दी कैसे लिखेंगे ये बात भी देखेगा अब इस बात को भी देखेगा भैया कि कैसे जल्दी लिखेंगे इनके डिजिट को बड़े ध्यान से समझें बड़े ध्यान से समझें एक से लेकर नौ नौ कितनी बार है नौ बार तो बेटा खाली नहीं नौ लिख दो कोई दिक्कत अब ये कितनी बार लिखा हुआ है एक से लेकर निन्यानवे नौ कितनी बार है भैया दो बार नौ कितनी बार है दो बार तो नौ अगर दो बार है तो आप क्या लिखेंगे अगर आप यहां से जोड़ेंगे एक से लेकर निन्यानवे तो, तो कितने बैठ रहे वन एट नाइन कितने बैठ रहे बेटा वन एट नाइन बैठ रहे हैं तो आप क्या करेंगे इस बात को देखेगा यहां कितनी बार है भैया तीन दो अब देखो नौ दो बार है तो यहां पर एक लिखो और एक बार आठ और एक बार नौ भैया नौ कितनी बार है तीन बार तो एक बार कम लिखो दो और कितना लिखो दो बार लिखो आठ और एक बार नौ यह कहने का मतलब यह है कि आप एक नौ को तो ऐसे ही लिख दो नौ एक बार बचा और एक बार नौ है जितनी बार एक लिखा उतनी बार आठ यहां नौ ऐसे ही लिख दिया कितने दो बचे बेटा दो नौ बचे दो को यहां पर लिखा जितने दो लिखा तो दो बार आठ यहाँ एक नौ को ऐसे ही बाद में लिख दो कितने नौ बचे भैया तीन और तीन लिखकर तीन बार क्या लिख दो आठ लिख दो ओके ये नौ कितने बार एक दो तीन चार पांच तो नौ को तो ऐसे ही लिखो कितने भैया बचे ये चार और चार लिखकर चार आठ बार लिख दो बस मतलब आठ को चार बार लिख दो ये बताओ जल्दी से ये बताओ जल्दी से इतनी बात समझ में आ गई ये नहीं आई बेटा जो मैंने बताया ये बात समझ में आ गई नहीं आई जो मैंने ये लिखकर बताई है लास्ट में बाद में बात ये बताइएगा जल्दी से समझ आ गया बेटा एक से नौ तक नौ लिखोगे एक से लेकर निन्यानवे तक लिखोगे निन्यानवे का मतलब एक नौ ऐसे लिखो एक नौ बचा तो एक बचा लिखा एक बार आठ नौ सौ निन्यानवे तक भैया नौ लिखकर दो बार नौ बचे तो दो लिखा दो बार आठ नौ हजार नौ सौ निन्यानवे नौ लिखा तीन बार आठ ठीक है आगे नौ लिखा भाई चार बच्चे नौ चार लिखकर चार बार आठ बाकी नौ आपने लिख दिया ऐसे लिख देना है भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है कोई समस्या दिक्कत नहीं होगी भैया ओके अब यहां पर आधारित देखो सवाल कैसे पूछे जाते हैं सवाल देखो पूछे जाने का तरीका है कि एक टाइपिस्ट है उसे एक से लेकर 120 तक की संख्याएं लिखनी है तो 120 तक की संख्याओं को लिखने में उसे अपने कितनी बार अपने अंकों का प्रयोग करना होगा कितनी बार टाइप करनी होंगी सारी चीजें ठीक है ऐसे सवाल बनेगा क्वेश्चन है लिखो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां से क्वेश्चन को देखो बेटा कैसे बनेगा क्वेश्चन क्वेश्चन बनेगा एक टाइपिस्ट एक टाइपिस्ट ठीक है एक से नवासी तक की नवासी तक की संख्याओं को लिखने में, लिखने में, में कितनी बार लिखने में कितनी बार अपने अपने टंकड़ के अंकों का अंकों का प्रयोग करेगा कितनी बार प्रयोग करेगा प्रयोग करेगा या एक बुक लिखने वाला है अगर बुक लिखने वाला है तो भैया वो कितनी बार बुक लिखेगा बुक लिखने में उसके पेज लिखने माली नवासी पेज लिखने तो नवासी पेजों को लिखने में वो कितनी बार अपना प्रयोग करेगा ये सारी बातों पर चर्चा होती है ये सारी चीजें बेटा पूछी जाती हैं ठीक है अब इन सारी चीजों को देखना है आपको तो जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं भैया एक सवाल समझ लो मुझे लिखना है एक से लेकर एक नवासी तक की संख्याओं को कहां तक की संख्याओं को मेरे भैया नवासी तक की संख्याओं को तो मुझे पता है एक से लेकर नवासी तक की संख्याओं में एक से लेकर नौ तक की संख्याओं में मेरे भैया डिजिट कितनी हो गई नौ ध्यान से समझा एक से लेकर नौ तक की संख्याओं में एक से लेकर नौ तक की संख्या में नौ संख्या नौ डिजिट नौ संख्या नौ डिजिट बाकी कहां से बची भैया दस से लेकर नवासी तक की अगर दस से लेकर नवासी तक की लेकिन नवासी में से नौ के कितने बचे भैया अस्सी और एक संख्या में कितने डिजिट दो तो अस्सी दूनी कितना एक सौ साठ तो, 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 तो टोटल डिजिट कितने हो गए भैया एक सौ उनहत्तर तो उसे अपने टंकड़ जो कितनी बार दबाना पड़ेगा वन सिक्सटी नाइन एक सौ उनहत्तर बार दबाना होगा जल्दी से बताओ भैया इतनी बात समझ में आ गई नहीं देखो बात जो मैं बता रहा हूं आप जल्दी से बताइएगा ये बात आपको समझ में आ गई बेटा क्विक एंड फास्ट जल्दी से बताइएगा ठीक है अरे जल्दी से बताइएगा इतनी बात समझ में आ गई फिर इस पर आधारित सात आठ सवाल करेंगे और आपका ये टाइप बेटा बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो जाएगा ओके okay, देखो दोबारा समझ लो एक से लेकर नवासी तक की संख्या में बेटा एक से लेकर नौ तक की संख्याओं में नौ डिजिट बाकी दस से लेकर नवासी तक की संख्याएं बची भैया दस से लेकर नवासी तक की संख्याओं में संख्या कितनी बची अस्सी एक संख्या में दो डिजिट तो अस्सी दून एक सौ साठ एक सौ साठ नौ एक सौ उनहत्तर आंसर ठीक है भैया आगे देखिएगा अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ आप बताइएगा भाई एक से लेकर एक सौ तेईस तक की संख्याओं में कितने डिजिटों का प्रयोग होगा बताइएगा कितने डिजिट का प्रयोग होगा जल्दी से करके सॉल्व करके बताइएगा भैया ठीक है बेटा जल्दी से बताइएगा सॉल्व करके एक से लेकर एक सौ तेईस तक की संख्याओं में जल्दी बताइएगा भाई अंकिता शर्मा पढ़ लो मेरी बहन पढ़ लो ठीक है जल्दी से बताओ एक से लेकर एक सौ तेईस तक की संख्याओं में कितने डिजिट होंगे ठीक है, रंजना कुशबा बेटा मेरी बहना देखिएगा क्वेश्चन को बेहतर तरीके से जानिएगा भाई क्या है टेंशन ले रहे हैं समझिएगा है चीज को भैया बबलू पता नहीं बेटा कब तक जारी होगा नोटिफिकेशन देखो एक से लेकर तेईस तक की संख्याओं को लिखना है बड़े ध्यान समझना एक से लेकर निन्यानवे तक की संख्याओं को तो हमें पता है भैया कितना होता है वन एट नाइन ये इसीलिए लिखवाए थे एक सौ निन्यानवे तक एक से नौ तक एक से नौ सौ निन्यानवे तक ये सारी चीजें मैंने आपको बेहतर तरीके से इसीलिए लिखवाई ताकि आपको ये से एक से लेकर निन्यानवे तक का तो पता हो अब तो आगे कहां से बची मेरे भैया सौ से लेकर एक सौ तेईस तक सौ से एक सौ तेईस अब करना क्या है मेरे भैया यहां से एक्चुअल में संख्या निकाल ली है तेरह में से नौ गए कितने बच्चे भैया चार और ग्यारह में से दो नौ गए कितने बच्चे भैया दो अब एक संख्या में कितने डिजिट है मेरे दोस्त तीन तो चौबीस में कितनी होंगी चौबीस थी बहत्तर भैया जोड़ दो नौ दो ग्यारह आठ सात पंद्रह एक सोलह एक और सो एक दो सौ इकसठ भैया दो सौ इकसठ उनहत्तर नहीं होगा तेहरे में से नौ गए चार तो ऐसे करोगे और लिखो भैया क्वेश्चन और लिखकर मुझे बताओ मान ली एक से लेकर मुझे बताओ आप दो सौ पंद्रह तक की संख्याओं में कितने डिजिट होंगे बताइए भैया 215 तक की संख्याओं में बताइएगा भैया कितनी होंगी जल्दी से बताओ ठीक है जो मैं आपसे कह रहा हूँ एक से लेकर 215 तक की संख्याओं में बताइएगा बेटा कितनी होंगी नागमणी की जरूरत है बहुत सही कह रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ थोड़ा सा एक तो ये जितेंद्र कुमार राय है भैया ठीक है तो ये जितेंद्र कुमार कल भी नहीं पढ़ रहे थे ये कल भी इनको एक क्या चाहिए थी गर्लफ्रेंड चाहिए थी आज ये फिर वहीं आ चुके हैं ठीक है अगर भैया आपको ये चीज़ ढूँढनी है तो कहीं और जाकर ढूँढिएगा ओके ठीक है यहाँ केवल और केवल मेरे दोस्त जितेंद्र आपको मैथ्स पढ़ाया जा रहा है ठीक है ओके ये मैरिज ब्यूरो नहीं है जो आपको यहाँ पर सुकन्या ढूंढ कर दी जाए ठीक है यही बेटर होगा कि आप बेटा पढ़ाई पर ध्यान दें वरना आपको सुकन्या की जगह नागमणी दे दी जाएगी और आप बेहतर तरीके से इन्हें बेहतर तरीके से शांतान तरीके से सो जाएंगे और सोने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा ओके तो बार बार चीज़ों को लेकर के बेटा ना हो सर थोड़ा साइड में हो जाओ ओके बेटा साइड में हो गए ठीक है कल भी मैंने बताया था कि आप अगर किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे तो भाई वो आपको मिलेगी चाहे आप कोई भी चीज मांग लो क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहने के, मांगते हैं तो उसको मिलाने के लिए आपको क्या होती है बेटा पूरी कायनात एक हो जाती है ठीक है हाँ अब देखिएगा भैया ये मैंने आपको बताया एक से लेकर 215 तक की संख्याओं का एक से लेकर 215 तक की संख्याओं की अगर मैं बात करूँ आपसे तो आप इसको बड़े बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते एक सौ नवासी कहाँ से आया मेरे भैया आकाश मैंने आपको बताया था ये आप भूल जाते हैं देखो यही चीजें सारा खेल क्या है दिमाग का खेल है सारा का सारा खेल मेरे भाई माइंड का खेल है आप जब तक दिमाग को इधर उधर घुमाएंगे अपनी आत्माओं को भटकाएंगे तो बेटा वो आत्मा भटकती रहेंगी भटकती रहेंगी और भटकती रहेंगी और कब तक भटकेंगे ये खुद तुम्हें भी नहीं पता ठीक है ना तो भाई इन बातों में कुछ नहीं है ये बताया देख एक से लेकर नौ, नौ तक की संख्याओं में नौ डिजिट निन्यानवे तक किम बढ़िया एक सौ नवासी नौ सौ निन्यानबे का टू डबल एट नाइन ये आपको लिखवाया ये बताया क्यों बताया था ये इसीलिए बताया ताकि आप इनको सवाल में यूज करें ऐसा नहीं है कि आपको ये खेलने के लिए बताए हैं खेला नहीं है नहीं तो आप जानते हैं खेला होबे अब खेला किसके साथ होबे नहीं पढ़ोगे तो उसके साथ होबे ठीक है अब आगे देखिएगा भाई जैसे कि मैंने बताया एक से लेकर एक सौ दो सौ पंद्रह तक की तो आप क्या करोगे एक से दो सौ पंद्रह तक की आप एक से लेकर निन्यानवे तक की संख्याओं को तो लिख लीजिएगा और आपको पता है कि यहाँ तक एक सौ नवासी होती हैं तो इसको लिख कर आपको आवश्यकता ही नहीं है बेटा करने की जब हमें पता है तो क्यों आवश्यकता नहीं है तो नहीं है भैया अब कहां से चलना है सौ से हमें दो सौ पंद्रह तक की निकालनी है क्योंकि हमें सौ से दो सौ पंद्रह तक की निकालनी हमें निन्यानवे तक की पता है निन्यानवे तक की पता है तो भैया ये बता दो 215 में से निन्यानवे घटा दो 215 में से निन्यानवे घटा दो तो 215 में से घटे देखो 15 में से नौ गए 6 कोई 15 में से नौ गए 6 10 में से नौ गया एक और कितना आएगा भैया 116 कितना आएगा मेरे भैया 116 आएगा अगर 116 आएगा तो एक संख्या में कितने डिजिट है भाई तीन तो दो सौ में कितनी हो जाएंगे आठ हजार बारह तेरह तीन एक चार और एक पांच तो भैया पांच सौ सैंतीस आंसर आएगा पांच सौ सैतीस देखो आंसर ठीक है पांच सौ सैतीस आंसर आ भी रहा था बहुत बढ़िया बेटा शानदार ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई बहुत अच्छे भैया बहुत अच्छे शानदार भाई सभी शा अब एक दो सवाल और करते हैं फिर बात करेंगे नंबर्स पर चर्चा करेंगे एक सवाल और करके बताइएगा मुझे एक से लेकर आप एक हजार छब्बीस तक की संख्याओं में डिजिट बता दीजिएगा ये आपका आज का इस टाइप का लास्ट सवाल है फिर हम चर्चा करेंगे भैया संख्या पर फिर डिजिट अपना कंप्लीट होता है डिजिट के बाद में आपसे इससे ज्यादा डिजिट पूछी भी नहीं जाएंगे और फिर इसके बाद में हम सीधे सीधे चर्चा नंबर्स पर करेंगे संख्या पर चर्चा करेंगे तो जल्दी से बताइएगा मेरे भैया ओके बता दीजिएगा अरे राजकुमार भाई आप भी अब पढ़ो ध्यान दो इधर उधर की कमेंट पर ध्यान ना दो देखो होगा क्या अगर आपका एक दिमाग तो चल रहा है कमेंट पर टिक 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 कमेंट करे जा रहे हैं एक दिमाग आपका यहां आप इतने शार्प माइंड वाले हैं नहीं कि आप दोनों काम को एक साथ कर सके ठीक है ना तो आपको बस यही है भैया कि आप केवल और केवल एक बार एक जगह अपना दिमाग लगाइएगा अच्छा आ जाइएगा करिएगा भैया जल्दी से इसका आंसर बताइएगा देखो एक भी आंसर नहीं बता रहे आप में से बस राजा ने बताया है सिकरवार ने देखो आंसर सही है गलत है वो इतनी बड़ी बात नहीं लेकिन बता रहे हैं भाई बहुत बढ़िया भाई सुमित राजा बहुत अच्छे भाई दोनों शानदार भाई बहुत बढ़िया आप आंसर बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है सही गलत बाद की बात है लेकिन आपने कोशिश तो करी कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती अनु बहुत अच्छे भाई थ्री नाइन ना, थ्री डबल नाइन सेवन आप बता रही हैं सिद्धार्थ का रहा है थ्री एट वन सिक्स आरती पाल का टू डबल नाइन सेवन आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया भाई अब देखिएगा अब इसको हम चर्चा करते हैं ये इस वाले क्वेश्चन को एक से लेकर भैया एक हजार छब्बीस तक तो एक से लेकर हम नौ सौ निन्यानवे तक का तो हमें पता है तो हम क्यों निकालें क्या पता है भैया एक नौ को तो ऐसे ही लिख दो कितने नौ बचे दो और दो नौ बचे तो दो बार आठ तो लिख दो बस है ना कोई दिक्कत नहीं है अब भैया बचे कहां से एक हजार से कहां तक भैया एक हजार छब्बीस तक अगर एक हजार छब्बीस में से आप नौ सौ निन्यानवे घटाएंगे तो छब्बीस एक ये हो जाएंगे और एक वो हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे भैया सत्ताईस और एक संख्या में कितनी डिजिट है चार तो सत्ताईस में कितनी होगी सत्ताईस दुनी बावन बावन दुनी एक सौ चार सॉरी एक सौ आठ होंगे ना देखो चार दुनी आठ और चार दुनी आठ है दो दस तो एक सौ आठ भैया जोड़ दो बस सवाल खत्म नौ आठ सत्रह आठ हर एक नौ आठ हर एक नौ टू डबल नाइन सेवन बेटा इसका आंसर करेक्ट आंसर टू डबल नाइन सेवन इसका आंसर करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया भैया निखिल बहुत अच्छे शानदार शानदार भाई शानदार रंजना कुशवाहा बहुत अच्छे भाई अंजु मंडल शानदार भाई बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद बहुत अच्छे भाई अब हम चर्चा जारी रखेंगे भाई आगे आगे बात करेंगे अब हम नंबर्स की बात करेंगे भाई नंबर्स की अब बात करेंगे हम संख्या की किसकी बात करेंगे अब हम संख्या की अब देखिएगा संख्या क्या है नंबर्स का एक ऐसा समूह जो क्या होता हो आपके एक छोड़ो इस चीजों को छोड़ो अगर मैं बात करूं संख्या की तो संख्या होती कितने प्रकार की है संख्या के कौन कौन से टाइप होते हैं अगर मैं संख्या की बात करूं भैया तो संख्या है हमारे दो तरीके की कितने तरीके की भाई दो तरीके की कौन कौन सी संख्या भैया कौन कौन सी संख्या होती है एक होता है हमारा रियल नंबर क्या होता है रियल नंबर और एक होता है मेरे भैया इमेजनरी नंबर कौन सा होता है इमेजनरी नंबर ठीक है एक रियल नंबर एक इमेजनरी नंबर क्या कहते हैं भैया रियल नंबर को वास्तविक संख्या क्या कहते हैं वास्तविक संख्या और इसके क्या कहते हैं काल्पनिक संख्या काल्पनिक संख्या जीवांश कुमार उस चीज को बेटा बाद में देखना अब जो मैं बता रहा हूं नंबर्स पर बात करिए नंबर पर चर्चा कीजिएगा ठीक है अब देखिएगा भाई एक एक बातों को बड़े बेहतर तरीके से सीखते रहे अब ये दो तरीके से होता है एक रियल नंबर और एक आपके इमेजनरी नंबर अगर मैं बात करूं रियल नंबर किसे कहते हैं या इमेजनरी नंबर किसे कहते हैं? अब इनकी डेफिनेशन की बात करें बड़े ध्यान से समझते रहे भैया रियल नंबर किसे कहते हैं? आपने दूसरी तीसरी क्लास में सुना होगा संख्या रेखा क्या होती है संख्या रेखा और संख्या रेखा की अगर मैं बात करूं तो संख्या रेखा जो होती है आपकी मेरे भाई बताइए हो क्या होती है संख्या रेखा आपकी स्टार्ट होती है यह वाली ध्यान से समझना माइनस इन्फिनिटी तक शुरू होती है और प्लस इनफिनिटी पर जाकर खत्म होती है बीच में यहां पर जीरो और यहां पर ये प्लस वन प्लस टू डेट होते हैं या माइनस वन माइनस टू ये माइनस इनफिनिटी तक होते हैं तो अगर हम बात करें मेरे भैया वास्तविक संख्या की रियल नंबर की तो ये आप कहेंगे रियल नंबर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो आप कहेंगे वह संख्या वह संख्या जिसे या वह संख्याएं जिन्हें ऐसे लिखेगा वह संख्याएं जिन्हें जिन्हें संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है दर्शाया जा सकता है या निरूपित किया जा सकता है दर्शाया जा सकता है या निरूपित किया जा सकता है दर्शाया या निरूपित किया जा सकता है बात समझ में आ गई ठीक है बेटा तो मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है काल्पनिक संख्या जिसे संख्या रेखा पर जिसे संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता दर्शाया नहीं जा सकता नहीं जा सकता एक बेटा वर्ड होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या क्या होता है एक सम्मिश्र संख्या अब सम्मिश्र संख्या कहां से बनती है तो सम्मिश्र संख्या बनती है भैया काल्पनिक और वास्तविक संख्या को मिलाकर काल्पनिक और वास्तविक संख्या को मिलाकर जो बनती है उसको बोलते हैं हम बेटा आपको सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है अब आगे देखिएगा अब चर्चा करते हैं आगे मैंने वास्तविक संख्या बताई और रियल नंबर बताया रियल नंबर बताया और इमेजनरी नंबर तो इमेजनरी नंबर पर पहले चर्चा करते हैं बाद में चर्चा करते हैं हम किस पर संख्या वास्तविक संख्या पर बेटा पहले मैं आपको इमेजनरी नंबर ही बता दूं मेरे भाई इमेजनरी नंबर वास्तविक संख्या ही मैं आपको पहले बेटा पढ़ा दूं वास्तविक संख्या सॉरी काल्पनिक संख्या मेरे भाई काल्पनिक संख्या ठीक काल्पनिक संख्या मेरे भैया अब काल्पनिक संख्या को देखिएगा मेरे भाई दोस्त तो काल्पनिक संख्या अगर पूरे मैथ्स की बात करें तो केवल एक होती है और उसका नाम है आयोटा इसको स्मॉल आई से हम डिनोट करते हैं बेटा उसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं ध्यान से देखिएगा काल्पनिक नंबर जो है केवल एक होता है बेटा आयोटा इसे क्या कहते हैं आयोटा क्या होता है केवल एक ही होता है आयोटा क्या कहते हैं इसे आयोटा और इसे स्मॉल इस आई से डिनोट करते आयोटा ठीक है और लिख सकते हैं इसे स्मॉल इस आई से स्मॉल आई से डिनोट या मतलब प्रदर्शित करते हैं मेरे भैया कोई दिक्कत चलो पहले यहां तक बताओ भाई समझ में आ गई बात नहीं पहले यहां तक बताइएगा आप सभी मेरे दोस्त आपको यहां तक बात समझ में आ गई अगर यहां तक समझ आ गई तो फिर आगे बढ़ेंगे भैया संख्या रेखा किसे कहते हैं पता है तुमको किसको कह रहे हो बेटा ठीक है बेटा जल्दी से देखेगा इसे स्मॉल आई से नोट करते हैं और केवल और केवल बेटा यहां से क्या है आपसे वैल्यू पूछी जा सकती है स्मॉल आई की जो वैल्यू होती, होती है बेटा अंडरवूड माइनस का वन होती है आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा माइनस का वन हो जाती है आगई की पावर तीन की वैल्यू बात करें तो ये भी माइनस का वन और आई की पे वैल्यू चार की बात करें तो बेटा प्लस का वन होती है और आप इसको ज्यादा भी ना हो तो बस इतनी ही बातें याद रख लो या आई की पावर तीन की भी वैल्यू याद रख लो बस यही है आपका काल्पनिक काल्पनिक का काम खत्म काल्पनिक का काम खत्म बस इतना ही है बहुत अच्छे बेटा तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई अब हम चर्चा करेंगे बेटा रियल नंबर पर अब रियल नंबर को ठीक है रियल नंबर की बात करते हैं हम वास्तविक संख्या की मेरे भाई वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या को हम क्या करेंगे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं यहां पर मेरे भैया जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री डेड डेड डेस कहाँ तक भैया प्लस इन्फिनिटी तक माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डेड डेस कहाँ तक भैया माइनस इन्फिनिटी तक ये होगी पूरी हमारी तो संख्या रेखा बाकी क्या होगी हो ये क्या होगी हमारी तो संख्या रेखा होगी अब एक बात बताइएगा इस संख्या रेखा में अब इनको हम कहते हैं देखो नंबर को बेटा आपको वास्तविक संख्या को भी तो तरीके से तोड़ सकते हो पूर्णांक में अब एक होता है आपका इंटीजर तो सबसे पहले अब मैं वास्तविक संख्या को वैसे हम अब आपको अलग पूरा क्लासिफिकेशन अलग बताऊंगा लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूं उस बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा अब वास्तविक इनको जो आप डिनोट कर रहे हैं इनको क्या कहते हैं भैया इंटीजर एक वर्ड है इंटीजर इंटीजर बोले तो भैया पूर्णांक क्या है ये पूर्णांक अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पूर्णांक जो होते हैं इस संख्या रेखा पर ये सारी चीजें क्या है आपके पूर्णांक है संख्या रेखा पर क्या है मेरे भैया ये आपके पूर्णांक है क्या है मेरे दोस्त पूर्णांक पूर्णांक मतलब इंटीजर है और इंटीजर कितने होते हैं बताइयो इंटीजर के प्रकार बताओ कितने होते हैं भैया पूर्णांक कितने होते हैं दो तीन चार या पांच बताइएगा जल्दी से भैया विकास ठाकुर तुम बताओ जल्दी से कि कितने होते हैं बेटा पूर्णांक जल्दी से पूर्णांक के बारे में बताइएगा बेटा दो होते हैं तीन होते हैं चार होते हैं जल्दी से मुझे बताइएगा कितने होते हैं बेटा पूर्णांक देखो कोई नहीं बता रहा है पूर्णांक कितने होते हैं जल्दी से बताइएगा बेटा पूर्णांक कितने होते हैं ईशान ने बताया दो अंजुमंडल बता रही हैं दो सब दो बता रहे हो भैया ठीक है? अब देखिएगा, आप सभी बता रहे हैं दो पूर्णांक लेकिन बेटा दो नहीं पूर्णांक होते हैं तीन दो नहीं पूर्णांक होते पूर्णांक कितने होते हैं तीन होते हैं अब कहोगे जी तीन कौन कौन से होते हैं देखिएगा बेटा अगर मैं इंटीजर की बात करूं ध्यान से समझना अगर मैं इंटीजर की बात करूं पूर्णांक की तो ये जो हमारे पूर्णांक होते हैं मेरे भैया ये होते हैं तीन अब आप कहोगे जी कौन कौन से होते हैं देखिएगा भैया ये कैसे पूर्णांक है धनात्मक कैसे हैं मेरे भैया धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर है ये भाई क्या है पॉजिटिव इंटीजर मतलब आपके धनात्मक पूर्णांक है और ये बताओ ये वाले कैसे हैं मेरे दोस्त आप कहोगे गुरुजी ये वाले हैं सारे के सारे नेगेटिव पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर रणात्मक पूर्णांक कैसे हैं ये हैं आपके रणात्मक पूर्णांक बाकी क्या बचा जीरो जीरो कैसा है अपने आप में अलग पूर्णांक है जीरो कैसा है अपने आप में अलग पूर्णांक है जीरो क्या है शून्य पूर्णांक कैसा पूर्णांक है शून्य पूर्णांक ये ना तो धनात्मक है और ना ही बेटा ऋणात्मक है तो गैर धनात्मक और गैर ऋणात्मक जो पूर्णांक है मेरे भैया वो आपका जीरो है तो टोटल पूर्णांक कितने हुए नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो तो कितने पूर्णांक हुए तीन पूर्णांक कौन कौन से धनात्मक ऋणात्मक और जीरो पूर्णांक तो ये तीन आपके पूर्णांक होते हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई यहां तक ये बात समझ में आ गई अब यहां से बात आती है जीरो कैसा पूर्णांक है तो यहां से बेटा ये चीजें पूछ लेता है कभी कभी क्या पूछता है ध्यान से देखें अगर मैं आपसे कहूं गैर धनात्मक पूर्णांक बताओ गैर धनात्मक पूर्णांक बताओ गैर धनात्मक पूर्णांक मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो आप क्या बताएंगे आप कहेंगे जी गैर धनात्मक पूर्णांक जो है वो है हमारा जीरो माइनस वन माइनस टूट कहां तक माइनस इंफिनिटी तक कहां तक भैया माइनस नॉन पॉजिटिव इंटीजर जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री कहां तक माइनस इंफिनिटी तक ठीक है अगर बात करें हम गैर रणात्मक गैर ऋणात्मक पूर्णांक नॉन निगेटिव इंटीजर तो आप क्या कहेंगे जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री डेड डेस डेस प्लस इंफिनिटी तक भैया ये चीजें पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में ओके तो ये चीजें जब आपसे पूछी जाती हैं तो बेटा आपको ये सारी चीजें पता भी होना जरूरी है पता होना जरूरी नहीं बल्कि आपको बहुत जरूरी है ओके okay? तो मैंने आज आपको पहले डिजिट के बारे में बताया डिजिट क्या है फिर मैंने आपको नंबर के बारे में बताया कि नंबर हमारे दो होते हैं एक बेटा कैसे रियल नंबर एक हमारे इमेजिनरी नंबर रियल और इमेजिनरी जो नंबर होते हैं रियल नंबर वो होते हैं जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं ठीक है नंबर वो, केवल केवल वो आपकी आयोटा केवल और केवल आयोटा की मैंने आपको वैल्यू लिखवा दी दूसरा फिर मैंने बताया हम वास्तविक संख्या को हमने बताया बेटा इसको एक नंबर लाइन पर कर सकते हैं और इस नंबर लाइन को क्या कहते हैं भैया इंटीजर और इंटीजर कितने होते हैं तीन कौन कौन से धनात्मक ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक और शून्य जो आता है बेटा ना धनात्मक में आता है ना ऋणात्मक में आता है ना धनात्मक में आता भैया ना ऋणात्मक में आता है तो इन ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक की की बात अब हम यहाँ से कल क्या चर्चा करेंगे अब हम अपने चर्चाओं का जो विषय रखेंगे कल वो क्या रखेंगे नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे अब कल अब संख्याओं का वर्गीकरण जैसे कि बेटा ये धनात्मक पूर्णांक की क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं जीरो शामिल हो जाएगी क्या हो जाएगी वो आपकी पूर्ण अपूर्ण संख्याएं फिर सम संख्याएं विषम संख्याएं भाज्य अभाज्य सारी चर्चा करेंगे अब बेटा कल आज के लिए हम आपको इतना ही रहेंगे ठीक है जितेंद्र भाई तू नागमढ़ी लेकर ही मानेगा ले ओके अब खुश एक मिनट रुक जा अभी आपका मैसेज डिलीट करा है लेकिन आपको हाइड कर दिया जा रहा है अब ठीक हो अब आप को नागमणी मिल गई अब आप शांत हो गए होंगे क्योंकि आप समझाने से समझ ही नहीं रहे चीजों को तो बेटा क्या ही फायदा है कोई फायदा नहीं है ना जब आपको एक दो बार तीन चार बार बताते बता दी गई है कि भाई पढ़ो ध्यान दो पढ़ाई पर लेकिन आप इन सारी बातों को ध्यान नहीं देते हैं तो अब आप देखिएगा बेटा ये जितेंद्र का बन गया बेटा ओके तो आप मेरे भाई सभी दोस्त चीजों को सीखने के लिए आया करें माइंड एक सेट करके आओ पढ़ाई में दिमाग में कि हम जा रहे हैं क्लास में तो हमें चीजें सीखनी है बेटा बेहतर तरीके से पढ़ना है ठीक है अब मैंने आपको ये सारी चीजें बताई देखो ये सारी चीजें बताने का कारण ये है कि आपको बेटा कोई भी दिक्कत ना हो कोई भी आप अगर एग्जाम दो बेसिक से बेसिक बात आपको पता हो सारी चीजों को आपको बेटा करना है बेहतर तरीके से तो आप सभी को बेटा सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी ठीक है और आप अपना सभी ध्यान रखें बेटा पर डे आप दो बजे जुड़ना ना भूलें बेहतर से शानदार जबरदस्त तरीके से सीखने के लिए और बेहतर और शानदार चीज़ों को सीखने के लिए तब तक का आप अपना ध्यान रखना टेक केयर बाय बाय बेटा